Hello students, myself Seema Soni. Now I am going to teach you class 5th EBS chapter 3 from testing to digesting part 2. इसके पहले मैंने part 1 में different test के बारे में बताया था. Now next open page number 27 and topic यो straight from the heart. Where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? जब हमारे mouth में food जाता है हम उसको swallow करते हैं इसके बाद वो कहाँ जाते हैं जाता है आपने क्या सोचा? Draw it in your picture. ये आपके book में जो picture बनी हुई है इसमें आपको diagram draw करना है वो parts draw करना है कि हमारा food कहाँ से कहाँ तक जाता है. This is salivary gland. इससे saliva निकलता है जो mouth में मिल जाता है. माउथ में फूड के साथ मिलके फूड को सॉफ्ट बनाता है और फिर चीव करने में हेल्प करता है. और फिर ये फूड पाइप है. फूड पाइप के द्वारा फूड नीचे स्टमक में जाता है. दिस इज स्टमक. स्टमक में जाता है. स्टमक से फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में. लास्ट जो पाचन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में. इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आके फूड हमारा यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फिर यहाँ से रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाता है. ओके सो रीड विथ मी इन द पिक्चर गिवन हियर. यहाँ पर जो पिक्चर दी हुई है इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू द योर बॉडी. शेयर योर पिक्चर विथ योर फ्रेंड्स. और फिर जो पिक्चर आपने ड्रॉ की है वो आपको अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है और उनकी पिक्चर आपको भी देखना है. डू ऑल ऑफ यूर हैव सिमिलर पिक्चर. क्या आप सभी की पिक्चर सेम है या डिफरेंट है? नाउ नेक्स्ट डिस्कस. यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है उनको डिस्कस करना है. हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री. आप कैसा फील करते हो जो बहुत हंग्री होते हो. हंग्री मीन्स भूखे होते हो. हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट. आप उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे. फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स बी जोकिंग से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट. मीन्स कभी कभी आप हंसी मजाक में इस तरह बोल देते हैं कि मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी है कि मैं एक एलिफेंट खा सकता हूँ. लेकिन ऐसा कभी नहीं होता. आप क्या कभी एक एलिफेंट खा सकते हैं? नो. हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री. आपको ये कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हैं? थिंक व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर टू डेज. क्या होगा जब आप दो दिन के लिए कुछ नहीं खाएंगे? नाउ नेक्स्ट वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर टू डेज. वेयर डू यू थिंक द बैटर दैट वी ड्रिंक कोच. क्या आप मैनेज कर लोगे दो दिन तक पानी पानी पिए बिना रह सकते हो? एंड जो पानी आप ड्रिंक करते हो पीते हो वो कहाँ जाता है? ठीक है, वो पानी जो हम पीते हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर बाकी यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है. लुक एट दिस बुक. यहाँ पर कुछ चिल्ड्रन बने हुए हैं. जब इनको भूख लगती है तो ये किस तरह से फील करते हैं वो बताया गया है. ये गर्ल बता रही है व्हेन आई एम हंग्री माय हेड एच. मींस जब वो भूखी होती है तो उसका हेड एक होने लगता है. आई गेट एंग्री इजीली व्हेन आई एम हंग्री. मुझे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है जब मैं भूखा होता हूँ. व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड. मैं थक जाती हूँ. यहाँ पे नीचे बैठा हुआ है ना बॉय है या गर्ल, ये थक जाता है. नेक्स्ट When my sister is hungry, she cries. ये अपनी sister को ली हुई है. ये कहती है कि जब मेरी sister hungry होती है तो cry करने लगती. Cry means रोना. I cry too. यहाँ पर ये puppy बना हुआ है. ये भी कहता है कि मैं भी cry करता हूँ. When I am hungry, जब मैं hungry होता हूँ. Now open page number 28. Neetu Bhai is given a glucose drip. This is a story of नीतू. ये नीतू की स्टोरी है. ये कह रही है कि इसको ग्लूकोज ड्रिप दिया जा रहा है. नीतू was very sick. नीतू बहुत बीमार है. Sick means क्या होता है? बीमार होना. All day she was vomiting. Vomiting means उल्टी होना. And she also has loose motions. Loose motions means दस्त होना. Whatever she ate, जो वो जो जब जो भी खाती है she vomited. उल्टी हो जाता है. हर फादर गेव हर सुगर एंड साल्ट सॉल्यूशन. तो उसके फादर ने उसको सुगर एंड साल्ट का सॉल्यूशन दिया. बाय इवनिंग नीतू वाज फीलिंग वीक एंड डिजी. शाम को नीतू फीलिंग करने लगी कैसा? वीक. वीक मीन्स होता है कमजोर. डिजी मीन्स जैसे चक्कर आने लगते हैं. व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड.
जब वो डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हुई तो वो उसको फेंटेड मींस होता है बेहोश हो जाना, बेहोश हो गई। हर फादर हैड टू कैरी हर टू डॉक्टर, उसके फादर डॉक्टर को डॉक्टर के पास लेके गए। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, डॉक्टर ने कहा कि नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। सी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, और उसको ग्लूकोज ड्रिप देना पड़ेगा। हियरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज्ड, उसको डॉक्टर को सुन के नीतू कन्फ्यूज्ड हो गई। सी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल, उसको याद आया कि गेम्स पीरियड में स्कूल में टीचर समटाइम्स गिव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक, टीचर कभी कभी उसको ग्लूकोज देती थी पीने के लिए। वट वाट वॉज द ग्लूकोज ड्रिप, लेकिन ये ग्लूकोज ड्रिप क्या होता है? डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन, तो डॉक्टर आंटी ने एक्सप्लेन किया, योर स्टमक इज अपसेट, उसने कहा आपका स्टमक अपसेट है, योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज बिकम वेरी वीक, आपका आपकी जो बॉडी है वो फूड को, फूड एंड वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, नहीं रख पा रही है स्टमक में, इसलिए आप बहुत वीक हो गए हो। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली, स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है? ताकत। तो ग्लूकोज ड्रिप उसको देने से उसको तुरंत ताकत आ जाएगी, इवन विदाउट ईटिंग, बिना खाए हुए। नाउ क्वेश्चन आंसर से टॉक एंड डिस्कस, डू यू रिमेम्बर दैट इन क्लास फोर्थ यू मेड अ सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड शुगर, क्लास फोर्थ में आपको याद है आपने सॉल्यूशन बनाया था साल्ट शुगर एंड साल्ट का। नीतूज फादर ऑल्सो मेड दिस, नीतू के फादर ने भी उसको नीतू को बना के दिया सॉल्यूशन। Why do you think this is given to someone who has vomited and lose motion? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी को कुछ लूज मोशन या वॉमिटिंग हो जाती है तो ये सॉल्यूशन दिया जाता है? आपके घर में भी आपकी मदर या फादर आपको देते होंगे जब आपको लूज मोशन या वॉमिटिंग हो जाती थी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू हियर द वर्ड ग्लूकोज, आपने क्या ग्लूकोज वर्ड सुना है? और सीन इट रिटन एनीवेयर, या कहीं पर लिखा हुआ देखा है? वेयर, कहाँ? नाउ ओपन पेज नंबर 29, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, क्या आपने ग्लूकोज को टेस्ट किया है? हाउ डज इट टेस्ट, कैसा होता है इसका टेस्ट? ये इसका टेस्ट अगर आपने नहीं लिया हो तो मैं बताती हूँ, ये स्वीट होता है। टेल योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड को बताइए। हैव यू और एनीवन यू नो फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, क्या आपको या आपकी फैमिली में किसी मेंबर को ग्लूकोज ड्रिप दिया गया है? व्हेन एंड व्हाई, कब और कहाँ? क्यों? टेल द क्लास अबाउट इट, क्लास में सभी को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतूज टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी, नीतू की टीचर जब नीतू हॉकी खेलती थी, गर्ल्स हॉकी खेलती थी तो सभी को ग्लूकोज देती थी। Why do you think she did this? वो ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी आती है, तुरंत एनर्जी आती है, इसलिए हम कोई भी प्ले करने के पहले ग्लूकोज ले लेते हैं। लुक एट नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब वाट इज हैपनिंग, हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बींग गिविन, नीतू ये जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, नीतू की पिक्चर देखिए और बताइए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज ड्रिप कैसे दिया जा रहा है। देखिए ये ग्लूकोज ड्रिप है, इन्होंने आपके हाथ में लगाया हुआ है इस तरह से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मार्टिस विंडो, मार्टिस विंडो इट इज अ पोयम, एक पोयम है। ओके सो रीड दिस, हियर्स एन ओल्ड स्टोरी इट सीम्स टू फनी, देयर वाज अ विंडो इन मार्टिस टमी, ये एक ओल्ड स्टोरी है और बहुत ही फनी है। देयर इज अ विंडो मार्टिस टमी, मार्टिन की टमी में एक विंडो हो गई है, टमी मीन्स होता है स्टमक पे। एक्चुअली बाय मिस्टेक्स मार्टिन्स वाज शॉर्ट राइट इन द स्टमक हिज ब्लैडर लॉट, वो बताते हैं कि मार्टिन्स कभी जब शूट होता है ना, किसी को जब गोली चलाई जाती है तो उनके स्टमक में वो गोली लग गई थी और फिर उस स्टमक से ब्लीडिंग निकलने लगी थी, ब्लीडिंग होने लगी थी। द बूंड्स स्लोली हील्ड एंड वाज कवर्ड बाय स्किन, तो बूंड्स जो घाव हो जाता है वो धीरे धीरे भर गया और स्किन के द्वारा कवर हो गया। बट द होल वाज स्टिल देयर यू कुड पीप राइट इन, लेकिन उसमें वो होल अभी भी था और उसमें कोई देख सकता था, पीप मींस होता है झांकना। ओह व्हाट अ चांस,
फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी, मतलब डॉक्टर को स्टडी करने के लिए एक चांस मिल गया. व्हाट हैपेंस टू द फूड इन साइड द बॉडी, कि हमारी जो बॉडी पे इनसाइड में जो फूड होता है वो क्या होता है, कैसे होता है. द स्टोरी सीम्स ओल्ड बट इट इज रियली ट्रू, ये स्टोरी ओल्ड है लेकिन ये ट्रू स्टोरी है. द सीक्रेट ऑफ मार्टिन सिस्टम हेल्प अस ऑल मी एंड यू, ये जो मार्टिन्स की स्टोरी है ये एक सीक्रेट है लेकिन ये हमारी और आपकी हेल्प करेगी किसमें, स्टडी करने में. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 30, स्टोरी आई स्टमक विद अ विंडो. अभी आपने पोयम पढ़ी, इसके बाद ये स्टोरी है स्टमक विद अ विंडो. इन द पोयम यू रीड अबाउट अ सोल्डर कॉल्ड मार्टिन, ये जो मार्टिन की स्टोरी थी तो इसमें बताया गया है कि सोल्डर मार्टिन कौन थे, सोल्डर थे, सोल्जर थे. इन 1822 ही वाज 18 इयर्स ओल्ड, 1822 की स्टोरी है इसमें, वो 18 इयर्स के थे. एंड वाज वेरी हेल्दी, बहुत हेल्दी थे. व्हेन ही वाज शूट ही गॉट सीरियसली हर्ट, जब उनको मतलब गोली लगी तो बहुत ही सीरियस हो गए वो. एट दैट टाइम डॉक्टर ब्यूमोंट पास कॉल टू ट्रीट हिम, तो डॉक्टर ब्यूमोंट को बुलाया गया उनको ट्रीटमेंट के लिए. डॉक्टर ब्यूमोंट क्लीन द बोन, डॉक्टर ब्यूमोंट ने बोन को क्लीन किया एंड पुट द ड्रेसिंग और ड्रेसिंग की. आफ्टर वन एंड हाफ ईयर के बाद द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स बोन हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग. उन्होंने देखा कि कुछ दिन बाद जो उन्होंने देखा वन या हाफ ईयर के बाद उन्होंने देखा कि मार्टिन्स का जो बूंद था, बूंद मीन्स क्या होता है, घाव, हैड हील एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक. उन्होंने देखा कि स्टमक में एक बहुत बड़ा होल हो गया है. द होल वाज कवर्ड विथ लूज फ्लिप ऑफ स्किन, और वो स्किन के लूज फ्लिप से ढक गया है वो घाव. लाइक द वाशर इन अ फुटबॉल, फुटबॉल में जिस तरह से वाशर होता है ना जिसमें एयर डाली जाती है फुटबॉल में, इसी तरह से उनके स्टमक में हो गया है. प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन्स स्टमक, स्किन को प्रेस करके मार्टिन्स के स्टमक में देख सकते थे. नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल. होल उस होल में एक ट्यूब पुट करके स्टमक से वो फूड भी निकाल सकते थे डॉक्टर. डॉक्टर ब्यूमोंट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रीजर. कैन यू गेस हाउ मच टाइम टू स्पेंड ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन दिस स्टमक. उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इस स्टमक से, ये घाव भरने में बहुत टाइम लगेगा और तब तक हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. 9 years ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन्स ग्रो अप एंड गॉट मैरिड. 9 years के बाद मार्टिन्स बड़े हो गए और मैरिड भी उनकी हो गई. एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वाज डाइजेस्टेड, उस समय साइंटिस्ट ये नहीं जानते थे कि फूड किस तरह से डाइजेस्ट होता है. डाइजेस्ट मीन्स पाचन, किस तरह से फूड का पाचन होता है. हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टिव जूस, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है. डाइजेस्टिव जूस जिसे कहते हैं इन द स्टमक, स्टमच हेल्प. डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट, वो बताते हैं कि जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो क्या फूड को केवल गीला करने में और सॉफ्ट करने में हेल्प करता है. और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, या डाइजेशन में भी हेल्प करता है. डॉक्टर रिमोंट took some liquid juices out of the stomach. Stomach से कुछ juice उन्होंने निकाला. He wanted to see what would happen to a food item kept in a glass filled with this. और उसको glass में लिया उन्होंने. Would it get digestive on its own? For this he did an experiment. अब उन्होंने experiment किया with the help of a tube. एक tube की help से ही took out some digestive juice from stomach. स्टमक से digestive juice निकाला उन्होंने. At 8:30 AM he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10
मिलीलीटर ऑफ अ जूस, 10 मिलीलीटर जूस में उन्होंने फिश के 20 पीसेस करके डाले उसमें। टाइम क्या था? 8:30 AM। एंड ही केप द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ अवर स्टमक अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन ही चेक्ड एट 2 PM ही फाउंड दैट द पीसेस ऑफ फिश हैड डिसॉल्व। उन्होंने देखा कि जो पीस उन्होंने फिश के डाले थे डाइजेस्टिव जूस में, स्टमक से निकाल के जो जूस उन्होंने निकाला था उसमें फिश के पीसेस डाले थे, वो क्या हो जाता है, फिश हैड डिसॉल्व, घुल जाता है वो उसमें, मीन्स डाइजेस्ट हो जाते हैं। डॉक्टर ब्यूमोंट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम। फिर उन्होंने, डॉक्टर ब्यूमोंट ने डिफरेंट फूड आइटम से भी एक्सपेरिमेंट किया। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम। वो मार्टिन को सेम फूड सेम टाइम पर देते थे एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक द फूड। और फिर वो ग्लास में भी उसी फूड को डालते थे और मार्टिन के स्टमक में भी डालते थे। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल। और फिर यहाँ पर पेज नंबर 31 में एक टेबल बनी हुई है, ऑब्जर्व, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से डिफरेंस होता है, यानी ग्लास में जब वो फूड आइटम को डालते थे तो जल्दी डाइजेस्ट होता था या उनके स्टमक में जल्दी डाइजेस्ट होता था। तो इस टेबल से तो हमें पता चल रहा है, देखिए इन्होंने डाला है अनबॉइल्ड मिल्क, तो मिल्क ने स्टमक में कितना टाइम लिया, 2 hours 15 minutes एंड ग्लास में 4 hours 45 minutes, यानी डबल टाइम। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन टेबल दी हुई है, इसको आप देखिएगा। सो व्हाट डज अवर स्टमक डू, फिर इन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाला, इन्होंने कहा कि हमारा जो स्टमक है वो क्या करता है। डॉक्टर व्यूमोंट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट ऑफ मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन। डाइजेशन के बारे में बहुत सारी सीक्रेट उन्होंने निकाले। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक। और उन्होंने फिर ये पाया कि जो हमारे स्टमक में फूड होता है वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। अवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट। चर्न मीन्स जब हम हमारा जो मक्खन होता है उससे घी निकालते हैं तो इसको चर्न करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पेट में, स्टमक में भी फूड चर्न होता है। द डॉक्टर ऑल्सो सो दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन्स बाय सैड। अच्छा, इन्होंने ये भी किया कि जब मार्टिन्स सैड थे, मीन्स दुखी, तो ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन द अवर स्टमक इज एसिडिक। तो जो स्टमक का जूस था वो भी एसिडिक हो गया था। हैव यू हियर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी। आपने कभी किसी को एसिडिटी सुनते कहते हुए सुना है? अक्सर कभी किसी को एसिडिटी हो जाती है कुछ ऑयली खा लेने से, ऑयली स्पाइसी थिंग्स खा लेने से स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैड ईटन वेल और द फूड इज नॉट डाइजेस्टिव प्रॉपरली। जो फूड हमारा जल्दी पाचन नहीं होता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है। डॉक्टर व्यूमोंट एक्सपेरिमेंट बिकम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। उनके एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड में फेमस हो गए। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट्स। इसी तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए। व्हाट डिड यू से, आप क्या कहते हैं? नो, दे डिड नॉट सूट पीपल इन द स्टमक। क्या स्टमक में कभी इस तरह से, मतलब जो होल हो गया था वो नहीं हो सकता? Nor did they wait for the patient with a hole in the stomach. They used other scientist way to look inside our bodies. इसी तरह से other scientist ने भी body के अंदर बहुत सारे experiment किए। Did you like the story of Martins? और should we say, क्या आपने, आपको Martins की story अच्छी लगी जो मैंने आपको बताई, the story of our own stomach? Now next I think and discuss. Imagine if you had been in place of Dr. Beaumont. आप imagine कीजिए कि अगर आप Dr. Beaumont की जगह होते, what experiment would you have done to find out the secrets of our stomach? तो आप किस तरह के experiment करते stomach के secrets पता करने के लिए? Write about your experiment. अपने experiment write कीजिए.
एंड ओपन पेज नंबर 32 गुड फूड गुड हेल्थ। यहाँ पर देखिए टू पिक्चर्स बनी हुई है, रश्मि 5 ईयर्स एंड कैलाश 7 ईयर्स। देखिए ये डॉक्टर अपर्णा हैज टू पेशेंट रश्मि एंड कैलाश। डॉक्टर अपर्णा के पास दो पेशेंट आए रश्मि एंड कैलाश। ठीक है, तो रश्मि कितनी 5 ईयर्स की है और ये कैसी दिखती है, 3 ईयर्स ओल्ड जैसी दिखती है। क्यों दिखती है, सी हैज वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स। इसकी बहुत ही थिन मीस होता है पतला, बहुत आर्म्स एंड लेग्स बहुत थिन है। और बैली कैसी है, लाइक बैलून, बैली इसकी फूली हुई है बैलून की तरह है। सी ऑफ और फालसिल, ये हमेशा बीमार रहती है, सिक मीस बीमार। सी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, ये हमेशा टायर्ड मीन्स थका होना, थकी हुई रहती है और हमेशा रेगुलर स्कूल नहीं जा पाती। सी डज नॉट हैव अ स्ट्रेंथ, इसमें प्ले करने की स्ट्रेंथ भी नहीं होती है, खेलने की भी। नेक्स्ट क्या है, फूड, सी इज लकी इफ सी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन अ होल डे। मीन्स उसको खाना, जो फूड खाती है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता है, इसको एक रोटी या थोड़ा सा राइस ही एक दिन में मिल पाता है, इसीलिए ये इतनी वीक हो गई है। नाउ कैलाश 7 ईयर्स है, कैलाश की 7 ईयर्स है, लेकिन ये बहुत, इसकी बॉडी बहुत फैट है एंड फ्लैपी। सी कैन पेन इन हिज लेग्स, इसके लेग्स में पेन रहता है, पेन मीन्स दर्द। ही इज नॉट वेरी एक्टिव, ये एक्टिव भी नहीं है। ही गोज टू स्कूल बाय बस, बस से स्कूल जाता है एंड दिन भर टीवी देखता रहता है। फूड क्या खाता है, ये हमेशा ये दाल राइस और वेजिटेबल्स रोटी को अवॉइड करता है, बिल्कुल नहीं खाता है। ओनली थिंग ही टेस्टी आर चिप्स बर्गर पिज्जा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, ये खाने से इनका ये हाल है, ये बहुत ही फ्लैपी हो गए हैं। डॉक्टर अपर्णा ने मेजर किया दोनों की हाइट को वेट को एंड देन सी टोल्ड देम, और फिर उन्होंने बताया कि ये किस तरह क्यों हुआ है, ये इस तरह क्यों हुई इतनी प्रॉब्लम, प्रॉपर फूड ना लेने के कारण। क्योंकि हमें अपने फूड में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 33 डिस्कस व्हाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी द होल डे। क्या आप बता सकते हैं कि रश्मि क्यों एक दिन में उसको क्यों एक रोटी मिल पाती थी, क्योंकि वो बहुत पुअर थे। डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स। क्या आप सोचते हैं कि कैलाश गेम्स और स्पोर्ट्स को लाइक करता था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड योर प्रॉपर फूड, प्रॉपर फूड से क्या मीनिंग है, जैसे अभी हमने बताया कि प्रॉपर फूड में दाल रोटी चावल सब्जी सभी होना चाहिए, यानी ऑल द न्यूट्रिएंट्स, हमारे फूड में सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, तभी वो प्रॉपर फूड कहलाता है। व्हाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वाज नॉट प्रॉपर। आप क्या सोचते हो कि रश्मि और कैलाश प्रॉपर फूड क्यों नहीं लेते थे। नाउ नेक्स्ट फाइंड आउट, टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली पीपल और ग्रैंड पेरेंट्स से आप पूछिए कि व्हाट वर्क दे डिड व्हेन, जब वो आपकी एज के थे तो क्या खाते थे और कौन सा काम करते थे। नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ, और फिर अपने बारे में सोचिए कि आप कौन सी एक्टिविटी डेली करते हैं और आपकी डाइट क्या है, कंपेयर करिए दोनों को। आर दी सिमिलर, क्या वो दोनों सिमिलर है या डिफरेंट, डिफरेंस है दोनों में, ग्रैंड पेरेंट्स की डाइट में और आपकी डाइट में। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर फूड, एवरी चाइल्ड्स राइट, राइट मीन्स होता है हमारा अधिकार। प्रॉपर फूड मीन्स प्रॉपर फूड खाना हमारा एक अधिकार है, हमारा राइट है, एवरी चाइल्ड्स राइट, सभी बच्चे का एक अधिकार है कि उसको प्रॉपर फूड दिया जाए। यू हैव रीड अबाउट टू चिल्ड्रन, आपने ये टू चिल्ड्रन के बारे में पढ़ा। वन इज कैलाश हु डज नॉट लाइक होममेड फूड, जो होममेड फूड पसंद नहीं करता था, एंड द अदर वन इज रश्मि हु डज नॉट इवन गेट 1 प्रॉपर मील, उसको एक दिन का प्रॉपर मील मिल नहीं पाता था, मील मीन्स भी खाना होता है दोपहर का खाना। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन अवर कंट्री आर लाइक रश्मि, हमारी कंट्री में इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है।
they do not get enough food. They need to grow and develop properly. उनको इतना food नहीं मिल पाता है कि वो properly grow हो जाए और develop हो जाए. These children are weak and sickly. और ये children बहुत weak हो जाते हैं और बीमार रहते हैं. But it is the right of every child to get proper food. लेकिन ये प्रत्येक child का right है proper food लेना. That's all, student. Thank you.